प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कालखंड सुशासन एवं गरीबों के कल्याण के लिए रहा। उनके नेतृत्व में देश में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है और हमारा देश अर्थव्यवस्था में विश्व के 5वें स्थान पर पहुंचा है। देश की सैन्य शक्ति मजबूत हुई है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं एवं जनता की समस्याओं की सुनवाई के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता भी तीसरी बार देश का बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देने जा रही है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है ना कोई नीति है। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के कार्यों को जनसंपर्क से जन समर्थन एवं घर घर जनसंपर्क करते हुए जन जन तक पहुंचाएं। पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। जब भी चुनाव होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ अलग अलग लड़ेंगे तो भी साथ मिलकर के लड़ेंगे, तब भी कमल ही कमल खिलेगा। राहुल गांधी की धार लगा रहे हैं, अच्छे नहीं है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अभी से उतरना पड़ रहा है। देखिए, उनको आराम करने की आदत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता की सेवा करने की आदत है, तो जिन्होंने शोषण किया है वो सेवा का मतलब नहीं जानते हैं, वो टिफिन बैठक का मतलब नहीं जानते हैं, वो महाजनसंपर्क का मतलब नहीं जानते हैं, महाजनसंपर्क से महाजन समर्थन जुटाने का मतलब नहीं जानते हैं, महाजन समर्थन से महाविजय प्राप्त करने का मतलब नहीं जानते हैं। वह तो सीटी बजाओ और सब उनको वोट दे दें, तुष्टिकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति के आधार पर कुछ दिनों के लिए सत्ता में जरूर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए तरीके बदल गए हैं। अगर जो सेवा करेगा, जनता आशीर्वाद देती है। सर, सिविल कोड को लेकर के कांग्रेस है, सपा है, उनका ये कहना है कि भ्रम फैला रही है बीजेपी लाने से ज़्यादा। भ्रम कांग्रेस फैलाती है, बीजेपी क्या फैलाने की जरूरत है। हमारे तो ये प्रमुख वैचारिक मुद्दे हैं, जिसमें से धारा 370 समाप्त हो गई है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, UCC भी हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसको लेकर के जनता में चर्चा है, जो भी निर्णय होगा उचित समय पर होगा। भ्रम कांग्रेस ना फैलाए, विपक्ष ना फैलाए और वैसे भी जनता समर्थन में। अच्छा, अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करें, उनको ये वोट बैंक की, उनका PDA परिवारवाद है, उनका PDA दंगावाद है, उनका PDA अपराधवाद है। उनके PDA में कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। जिसने कुछ का साथ कुछ का विकास किया हो, जब सत्ता में रहे हों, कुछ ना किए हों और सत्ता से जाने के बाद सब कुछ करने का वादा कर रहे हों, तो जनता समझदार है। धन्यवाद। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता ने ज्ञापन के माध्यम से भारद्वाज आश्रम में पुष्पक विमान का मॉडल बनाए जाने की बात कही, जिस पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रभु श्री राम एवं भारद्वाज मुनि की स्मृति में पुष्पक विमान के मॉडल की संरचना की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम प्रयागराज में बने, इसके लिए प्रयासरत हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता एक वृहद सोच के साथ प्रयागराज के विकास के लिए अपना सुझाव दें। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि इस दौरान पार्षद किरण जायसवाल ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आए दिन पूरे शहर में गाय और अन्य पशु कट लगने के कारण मर रहे हैं, जिस पर बिजली विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, इस बात की भी शिकायत की।